हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता राशि दलवी जी हैं। सर, कल एक साल हो जाएगी नोटबंदी को। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि ये बहुत बड़ी भूल थी, मोदी जी को माफ़ी मांगना चाहिए इस पर। बिल्कुल, एक बड़ी भूल थी, और सिर्फ भूल नहीं थी, सरकार का एक बड़ा गलत कदम था। वर्ल्ड बैंक इसके खिलाफ है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आर्थिक स्थिति भारत की खराब होगी। दुनिया के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इससे देश के हालात खराब होंगे। और सिर्फ यही नहीं, बड़े इकोनॉमिस्ट का कहना कि पूरी दुनिया को इससे सबक लेना चाहिए कि भारत ने बगैर सोचे समझे एक गलत और इतना बड़ा कदम उठाया। इससे गरीब आदमी बहुत परेशान हुआ। 115-120 लोग लाइनों में लगे हुए, भूखे, पसीने में, जलती हुई धूप के अंदर अपना ही पैसा लेने के लिए मौत के मुंह में चले गए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन के अंदर अगर ये मुकम्मल ना हुआ तो वो किसी चौराहे पे जाएंगे और देश की जनता उनके साथ क्या करे, मैं अल्फाज दोहरा नहीं सकता। मैं तो बहुत चौराहों पे गया 50 दिन के बाद ये देखने के लिए कि मोदी जी किस चौराहे पे आए, वो किसी चौराहे पे नहीं नजर। दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी गलतियों की, और वो तमाम लोग जो इनकी वजह से मारे गए उनके घरों पर जाना चाहिए, उनके बच्चों को नौकरी देनी चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, जिस तरीके से पैराडाइज पेपर लीक मामले में मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री और सांसद इन्वॉल्व हैं, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्या नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? मोदी जी के भ्रष्टाचार लड़ने का यही तरीका, आप अगर कुछ करेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे भ्रष्ट करके, लेकिन उनके लोगों को इजाज़त है कि वो जो चाहे करें। एक भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यापम के मामले में आज तक क्या हुआ, वसुंधरा राजे के मामले में आज तक क्या हुआ, जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज उनके मामले में क्या हुआ, ये सारे लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ललित मोदी को वापस लेकर आए, किंगफिशर वाले को उसे वापस लेकर आए, ये इनका भ्रष्टाचार से लड़ने का तरीका है, लेकिन अब उनका असली चेहरा देश के सामने आ गया। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके सूर्या डोभाल जो इंडिया फाउंडेशन चलाते हैं उसमें मोदी मंत्री मंडल के 4 मंत्री जो उसमें डायरेक्टर हैं, और ये उनसे चंदा लेती है विदेशी कंपनियों से जो सरकार के साथ सौदा करती है, और उनके पास उस चंदे का कोई हिसाब किताब नहीं है, ये कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सीधी बात है, उनके मंत्री डायरेक्टर्स हैं, दबाव डाल के चंदा लेते हैं, देश को हिसाब नहीं देते हैं, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है, कैसे खर्च हुआ है देश को बताना चाहिए, और प्रधानमंत्री खामोश बैठे रहते हैं। प्रधानमंत्री दूसरे की तरफ हाथ उठाते हैं, अपने लोगों की तरफ वो हाथ नहीं उठाते। यही भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, मैं इतना कह सकता हूँ, भ्रष्टाचार समाज के अंदर हमेशा से रहा है, लेकिन आज जितना भ्रष्टाचार इस देश में है इतना पहले कभी नहीं रहा। खबरें अभी तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका धन्यवाद सर।